मैं देना चाहती हूँ शाउट आउट। चलो अब मैं सारा रायता ये समेट लूँ। मेरे लिए क्यों लेके आ गई, मेरे पास तो थी पहले से। धीरे बोलो भाई, बहुत बतिया रहे हो। हेलो यू गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मेक ओवर टाइम। आई होप यू आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। एंड आज का जो व्लॉग है, वीडियो कह सकती हूँ मैं, व्लॉग कह सकती हूँ, क्योंकि कुछ मिक्स काइंड ऑफ होने वाला है। क्लोविया का मेरा पार्सल रिसीव हो गया है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों से शेयर कर दूँ इसको। बहुत ज़्यादा मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं किए हुए थे, 1 or 2 आइटम ही मैंने ऑर्डर किए हुए थे, तो उतने से का मैं हॉल वीडियो क्या बनाऊँ। 3-4 चीज़ें होती तो मैं बनाती हॉल वीडियो। तो सिट एंड टॉक काइंड ऑफ वीडियो होगा, बट ये चिट चैट वाला होने वाला है। सो देखना ऐसे एंड तक। भैया क्या कर रहे हो? पेपर पढ़ रहे हो? आपको पढ़ना आता है? अच्छा, ये क्या बनी है यहाँ पे? ये क्या है? ये क्या है? कार। अच्छा, अकन। हाँ, अकन। अच्छा, अंकल अंकल बने हुए हैं ये। तो उत्कर्ष अभी सो गया है और इस मौके का मैं फ़ायदा उठाने वाली हूँ। जितनी भी देर सोए, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से रेडी होके और वीडियो शूट करने बैठ जाऊँ। एडिट करूँगी मैं बाद में। वीडियो शूट करने बैठने से पहले मैं देना चाहती हूँ शाउट आउट, और वो जाता है इंशा खान को। हेलो इंशा, कैसी हो? थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी इस तरह के कमेंट्स में देखती हूँ ना, तो वाकई मोटिवेशन बहुत मिलती है। एंड सच बताऊँ, इतनी अच्छी फीलिंग होती है जैसे ना दिन बन जाता है। थैंक यू सो वेरी मच एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया। सो ये रहा मेरा पिंक बॉक्स, और मैंने 2 नाइटवेयर परचेज किए हैं इस बार, और क्लोविया पे चल रही है लाला लॉन्जरे सेल। सो अप टू 80% तक का ऑफ है, और फ्लैट डिस्काउंट्स भी आपको मिल जाएंगे एंटायर वेबसाइट पे, तो आपको डेफिनेटली चेक करने चाहिए। जो भी करंट में भी रनिंग डिस्काउंट कोड्स हैं, वो आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं स्क्रीन पे भी आपसे शेयर कर दूंगी। सो जैसी चॉइस हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, आपको सब चीजें मिल जाती हैं। लाइक आपको प्रॉपर नाइट सूट चाहिए या फिर स्लीप टीज चाहिए, टॉप एंड पैजामा का सेट मिल जाएगा आपको, नाइटीज मिल जाएंगी डिफरेंट वेराइटीज की, काफ्तान वगैरह, तो अनलिमिटेड स्टाइल्स है, बट ऑफर लिमिटेड है। हाँ, सेल आती जाती रहती है क्लोविया पे अक्सर, तो कोई बात नहीं, अगर ये मिस हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रोडक्ट्स को अपने कार्ट में ऐड कर सकते हो, या विश लिस्ट में ऐड कर लेना, नेक्स्ट टाइम में आप ले सकते हो। बट अभी भी काफी अच्छे ऑफर आए हुए हैं, तो मुझे लगता है एक बार आपको चेक जरूर करना चाहिए। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, फ्री शिपिंग है, एंड इजी रिटर्न्स है। रिटर्न जब आपको करना हो ना, तो कोई ज्यादा कुछ इंक्वायरी नहीं होती, आप जस्ट रिटर्न कर दो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई साइज फिट नहीं हो रहा है, तो आप उसे रिप्लेस भी कर सकते हो। सब कुछ आसान है। क्लोविया के तो काफी सारे मैंने हॉल वीडियो आप लोगों से शेयर किए हुए हैं, ज्यादातर तो उनमें नाइट वेयर ही है, क्योंकि वही ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, काफी कंफर्टेबल भी लगते हैं। अभी जैसे समर्स में मुझे घर पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना, तो वही मैं प्रेफर करती हूँ, उन्हीं को पहन के घूमती रहती हूँ, काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो। और हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, तो कूपन और डिस्काउंट कोड के साथ साथ आप यूज कर सकते हो मेरा एफिलिएट कोड, वो स्क्रीन में आपसे शेयर हो रहा है, दैट इज इट्स मेक ओवर टाइम, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो सबसे पहला नाइटवेयर है इस तरह का, बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो है, समर वाइब देता है ये। एंड इसे ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस में मैंने इसे लिया है ना, वो स्क्रीन में आपसे शेयर कर दूंगी मैं। तो इस तरह से ये नाइटवेयर का सेट, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका येलो कलर है, और हर कॉम्प्लेक्शन पे ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इस तरह से इसमें व्हाइट कलर से यहाँ पे लीफ प्रिंटेड है, ऑल ओवर प्रिंट है इसमें। इस तरह का शर्ट पैटर्न का इसका टॉप है, एंड फ्रंट ओपन वाला है ये, और रेयन मटेरियल है, काफी ज्यादा ब्रीदेबल कंफर्टेबल मटेरियल है ये। और इसका मैंने जो साइज ऑर्डर किया है वो है एस, मेरा जो परफेक्ट फिट है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल, बट नाइट वेयर में मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ढीले ढाले लूज फिटेड कपड़े मुझे ज्यादा पसंद आते हैं सोने के लिए, तो मैंने इसे ऑर्डर किया है स्मॉल साइज में, बट मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा बड़ा सा है ये। तो अगर आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका प्रॉपर फिट है मीडियम, तो आप स्मॉल ट्राई कर सकते हैं, वो आपको फिट हो जाएगा, मीडियम थोड़ा सा ज्यादा लूज हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि हल्का सा मुझे ये लूज हो सकता है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऑल्टर कराऊंगी। शॉर्ट स्लीव के साथ है ये टॉप, ऑल ओवर प्रिंट है, तो इस तरह का है ये पायजामा, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है इसमें, ड्रॉ स्ट्रिंग नहीं दिया हुआ है, एंड दोनों साइड पे आपको मिल जाती है पॉकेट्स, एंड डेप्थ भी काफी अच्छी खासी है। पॉकेट्स तो काफी कंपल्सरी है हम गर्ल्स के लिए, चाहे लिप बाम रख लो, मोबाइल फोन रख लो, या फिर ईयरबड्स वगैरह, तो छोटी मोटी चीजें कैरी करने के लिए। एंड लेंथ भी इसकी काफी अच्छी खासी है, लेंथ मेरे अकॉर्डिंग सही है, मुझे ऑल्टर कराने की नीड नहीं है। रेयन मटेरियल में मैंने एक और बात देखी है कि रेयन कपड़ों को आप जब भी वॉश करते हो ना, तो आफ्टर फर्स्ट वॉश वो थोड़े से श्रिंक होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और जो नेक्स्ट है वो इस तरह का है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर का है इसका, डार्क मेजेंटा शेड है ये,
और इस तरह से आप देख सकते हो मून एंड स्टार यहाँ पे प्रिंटेड है। मून और स्टार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैंने अपने रूम में भी वो नाइट ग्लो वाले स्टिकर्स लगा के रखे हुए हैं। जब रात होती है ना तो वो चमकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब मैंने ये प्रिंट देखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि ये तो मुझे ज़रूर लेना ही है। एंड इसमें दो कलर्स अवेलेबल थे, एक ब्लैक है और एक ये है इस तरह का। इसका एक्चुअल शेड डार्क मैजेंटा पर्पल सॉर्ट ऑफ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये कलर एंड मुझ पर काफ़ी सूट भी कर रहा है ये। तो चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो इस तरह का इसका टॉप है एंड लेंथ जो है इसकी मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा है टॉप की लेंथ। एंड जो इसकी स्लीव्स है वो 3-4 स्लीव्स हैं। इसे मैंने लिया है स्मॉल साइज में एंड ये होजरी मटेरियल है, 100% कॉटन, काफ़ी ब्रीदेबल कंफर्टेबल होता है ये। एंड आप चाहें तो इसे समर्स के लिए पिक कर सकते हैं या फिर विंटर्स में भी आप इसे इजिली वेयर कर सकते हैं। तो फ्रंट में सिर्फ मून और स्टार ही प्रिंटेड है ये और बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। एंड जो इसका बैक है वो टोटली प्लेन है। जो इसका पायजामा है वो इस तरह का है, प्रिंटेड पायजामा है, इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड के साथ आता है और साथ ही ये इस तरह की एडजस्टेबल वाली आपको ड्रॉ स्ट्रिंग मिल जाती है। इस पायजामा की लेंथ भी अच्छी खासी है, फुल लेंथ पायजामा है ये। एंड इस तरह के आप देख सकते हैं मून एंड स्टार्स प्रिंटेड है यहाँ पर। बोथ साइड्स में आपको मिल जाती हैं पॉकेट्स। सो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई इसकी क्वालिटी एंड जो फर्स्ट वन था उसकी क्वालिटी भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। ओके तो चलो मैं दिखाती हूँ जियो स्मार्ट से मैंने क्या शॉपिंग की है। एंड आई थिंक कि सारी चीजें या ऑफर वगैरह सेम ही होते होंगे जियो के कोई भी आउटलेट हो, चाहे वो जियो स्मार्ट हो या जियो मार्ट हो, और ऑनलाइन भी ये सारे ऑफर आपको मिल जाएंगे। तो कोई प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। सबसे पहला प्रोडक्ट है इस तरह का, ये ग्लिमर का लूफा, छोटू सा बहुत ही क्यूट सा है, पिंक कलर में है और ये है ग्लिमर का। जियो के किसी भी आउटलेट में आपको ग्लिमर के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इसमें अक्सर ही सेल चलती रहती है, बाय वन गेट वन। मैं तो साल भर से देख रही हूँ और काफी सारी चीजें मैंने ली भी है, क्वालिटी काफी अच्छी है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 49 रुपीज और ये बाय वन गेट वन में था। अगर आपको सिर्फ एक लेना है तो आप उसे ले सकते हो जस्ट हाफ प्राइस में, तो ये मैंने लिया है 25 रुपीज में। इसे मैंने शेयर किया था मेरे बाथरूम मेकओवर वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना स्मॉल बाथरूम मेकओवर मैंने कैसे किया है। आई होप आपको पसंद आएगा, कुछ तो आइडिया आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है मेरे पास ये ब्यूटीफुल सा मग इस तरह का है, ये थोड़ा सा हैवी है बट मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। मैं कहीं भी जाऊं किसी मॉल में अगर मग सेक्शन दिख जाता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मुझे मग्स पता नहीं क्यों इतने ज्यादा पसंद आते हैं, कलेक्शन तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है बट हाँ मुझे काफी अच्छा लगा ये। इसका एक्चुअल प्राइस है मेंशन किया हुआ यहाँ पे 59 रुपीज और ये मुझे मिला है जस्ट 49 रुपीज में। नेक्स्ट है ये छोटू सा डस्टबिन, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे मेंशन किया हुआ था 99 वाला स्टोर था, एक सेक्शन था 99 वाला, बट डिस्काउंट में ये मुझे मिला है जस्ट 49 रुपीज का। इस तरह से ना ये ओपन हो जाता है और इसे मैंने लिया है अपनी ड्रेसिंग टेबल के साइड में रखने के लिए। नेक्स्ट आया है ये ग्लिमर का नेल कटर और येलो कलर में। इसमें काफी प्यारे प्यारे कलर हैं, इसमें पिंक मिल जाएगा, येलो है एंड ग्रीन है, ब्लैक है, तो काफी अच्छे अच्छे कलर हैं। इसमें भी बाय वन गेट वन था तो मैंने सिर्फ एक पीस लिया है ये। इट रिटेल्स फॉर 118 रुपीज का और मुझे 59 रुपीज का ये मिला है बट क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट आया है लेयर वाटर गर्ल का ये मिनी मिस्ट और इसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट थे, पर्पल वन था, पिंक वन था, बट सबसे ज़्यादा मुझे फ्रेग्रेंस इसकी पसंद आई। उनकी मुझे थोड़ा सा ना वो इतना सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही थी और इसकी भी स्ट्रांग है बट इसकी मुझे फ्रेग्रेंस पसंद आई तो मैंने इसे परचेज कर लिया। इट रिटेल्स फॉर 85 रुपीज और ये डिस्काउंट में मिल रहा है, अभी काफ़ी टाइम से मैं देख रखा है मैंने इसे और ये मिला है जस्ट 49 रुपीज में। एंड आप देख सकते हो कितना छोटू क्यूट ट्रैवल फ्रेंडली है ये, तो अपने हैंडबैग में मैं इसे कैरी करने वाली हूँ। 25 ml की क्वांटिटी है इसकी एंड इवनिंग परफ्यूम की तरह मैं इसे देखती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है निविया का पर्ल एंड ब्यूटी डियो रोल ऑन और ये इस तरह का ये छोटू वाला है, हाँ इससे बड़ा भी आता है। इसका एक्चुअल प्राइस है 59 रुपीज और ये मुझे 55 रुपीज का मिला था, काफी छोटू सा है ये एंड बहुत ज्यादा बल्की भी नहीं है, तो इसे भी डेफिनेटली मैं अपने ट्रेवल स्किन केयर किट में कैरी करने वाली हूँ। जो मेरा ट्रेवल टॉयलेटरी किट होगा उसमें मैं इसे रखने वाली हूँ। नेक्स्ट है ये प्लेट एंड बाउल्स का सेट और ये प्लास्टिक का है, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है ये। वैसे तो प्लास्टिक के प्लेट वगैरह आपको यूज बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, तो मैं ओकेजनली ही इसे यूज करती हूँ और इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मिली है 2 प्लेट्स इस तरह की, ये हैं 2 प्लेट्स एंड इस तरह की छोटी छोटी 2 कटोरियां हैं, छोटी नहीं मीडियम साइज की कटोरियां हैं, जितनी आप दाल सब्जी वगैरह रखते हो ना वो आ जाएगा इसमें। तो ये है, मुझे सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, ये भी स्काई ब्लू कलर में है एंड स्काई ब्लू इज़ माय फेवरेट, इसलिए मोस्टली चीज़ें आपको मेरे वीलॉग्स में दिखती आई हैं या अभी दिख रही होंगी वो स्काई ब्लू कलर में ही हैं। इसी में येलो कलर मैंने लिया था बिग बाजार से, उसका भी शॉर्ट्स मैंने आपसे शेयर किया हुआ था, तो अभी मुझे दिख गया ये कलर तो मैंने इसे ले लिया और ये मिला है मुझे जस्ट 99 रुपीज़ में।
नेक्स्ट है ये छोटू सी कॉम्ब, और मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया था सो मैंने इसे पिक कर लिया। एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड एली, इसका एक्चुअल प्राइस है 49 रुपीज़, और ये मुझे इसी कुछ प्राइस में मिली होगी, या तो 49 में या तो 45 रुपीज़ का, अभी मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये बिल्कुल भी हार्श नहीं है स्कैल्प पर, सो इसे भी मैंने अपने ट्रैवल किट में रखने के लिए लिया हुआ है। वैसे तो मैं वुडन कॉम्ब यूज़ करती हूँ, बट ये इस तरह की अच्छी क्वालिटी वाली वाइट टूथ कॉम्ब है, वाइट टूथ कॉम्ब ही मेरे लिए बेस्ट होती है क्योंकि इन्हीं से मेरे बाल हैंडल हो पाते हैं। नेक्स्ट आई हैव बॉट टू लिप बाम्स फ्रॉम द ब्रांड ग्लिमर, और इस तरह की हैं ये, वहाँ पे मुझे दो ही शेड मिले तो मैंने दोनों ही शेड ले लिए। और ये लिप बाम जो है ये वाली मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, हल्की सी क्रम्बली हो जाती है पता नहीं क्यों, बट जो इसका एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, क्रम्बल जो है वो लिप्स पे नज़र नहीं आते, काफ़ी अच्छी तरह से लिप्स को मॉइस्चराइज करती है। इसका एक्चुअल प्राइस है 99 रुपीज़ या, एंड ये मुझे मिली थी बाय वन गेट वन पे, सिंगल लेना चाहो तो आप सिंगल भी ले सकते हो हाफ प्राइस में। सो ये थोड़ा डार्क पिंक है, दिस इज द शेड ग्लोरियस ग्रेप, एंड जो लाइट पिंक शेड है इसका नाम है सैसी स्ट्रॉबेरी, सो फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ये काफी अच्छी लगती है, एंड ये जो शेड है ना ये हर स्किन टोन पे काफी अच्छा लगता है। देखो एक तो मैं वैसे भी खत्म कर चुकी हूँ, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सो इस तरह का शेड है, ग्लोरियस ग्रेप भी है मेरे पास और मैं इसे यूज भी कर रही हूँ, आई डोंट नो वो कहाँ मैंने रख दिया है। सो डार्क पिंक शेड है और ये इस तरह का है, ये थोड़ा सा कोरलिश पिंक शेड, ये मुझ पर उतना अच्छा नहीं लगता है बट बेबी जब लगाती तो उसके ऊपर काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट है अबाउट ग्लिमर का ही, मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हॉट पिंक कलर का है, इसका कलर देख के ही मैंने ले लिया, अदरवाइज ब्यूटी ब्लेंडर तो है मेरे पास। इसका एक्चुअल प्राइस है 149 रुपीज़ और सब में बाय वन गेट वन है, तो ये मुझे मिला है जस्ट हाफ प्राइस में। यह सॉफ्ट है, स्क्वीशी है, एंड आई बिलीव ये प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये ब्यूटी ब्लेंडर। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल हैं बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ग्लिमर की नेल पेंट्स भी काफ़ी अच्छी थी, मैट, ग्लॉसी, शाइनी, तो काफ़ी सारे डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट फिनिशेज में अवेलेबल थी, वो भी बाय वन गेट वन में थी, उनका एक्चुअल प्राइस था 75 रुपीज़, बट नेल पॉलिशेज भी थी मेरे पास तो मैंने अभी लिया नहीं, इन फ्यूचर मैं ज़रूर लेना चाहूँगी। और अभी है जो नेक्स्ट मेरे पास वो है ग्लिमर का काजल, एक बार मैंने क्लोविया से शॉपिंग की थी तब मुझे ये फ्री मिला था और ये ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, अभी इस बार मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो मेरा काजल था ग्लिमर वाला वो उत्कर्ष ने ले लिया है, उत्कर्ष यूज़ नहीं करता, उसकी मम्मा यूज़ करती है, उत्कर्ष को यहाँ पे वो बच्चों को नहीं लगा देते हैं छोटा सा काला टीका नज़र ना लगे तो उसके लिए इसने यूज़ करने के लिए ले रखा है, तो फिर मैंने अपने लिए एक नया ले लिया। इसका एक्चुअल प्राइस है 99 रुपीज़ और ये मुझे मिला है हाफ प्राइस पर। ग्लिमर की लिक्विड लिपस्टिक्स मैंने ट्राई नहीं किए हैं, कॉम्पैक्ट ट्राई नहीं किए हैं, आप लोगों ने ट्राई किए हैं क्या? अगर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, अच्छे होंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके जो नेक्स्ट मेरे पास वो है इस तरह की वाटर बॉटल, ये रेक्टेंगल शेप्ड वाटर बॉटल है एंड 750 ml वाली है ये, आई नो बहुत कम पानी आएगा इसे, और मैंने इसे लिया अपने हैंड बैग में कैरी करने के लिए, वो बड़ी सी बॉटल मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ, मेरा बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है, और जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ, थोड़ा थोड़ा सिप करती रहती हूँ ताकि हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन रहे, ऐसा भी नहीं रहे कि गला बिल्कुल सूखा जा रहा है और गर्मी में तड़प रही हूँ मैं तो ऐसा नहीं, क्योंकि ना मेन दिक्कत ये हो जाती है कि वॉशरूम ढूंढना पड़ता है बार बार, तो वो चीज़ें मैं चिकल्लस नहीं चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी मैं लेती रहती हूँ और इसमें सफिशियंट क्वांटिटी में आ जाएगा जितना मुझे घर से बाहर, अगर मैं 2-3 घंटे के लिए जा रही हूँ तब के लिए तो ये ठीक है, अगर लॉन्ग आवर्स के लिए मैं जा रही हूँ तो फिर तो बड़ी बॉटल कैरी करनी पड़ेगी। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे, ऑरेंज, ग्रे और इस तरह का, ये स्काई ब्लू, फिरोजी, बट ये मुझे पसंद आया तो फिर मैंने इसे पिक किया। नेक्स्ट अप आई हैव ये बाथरूम स्लीपर्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कलर भी अच्छा लग रहा था, उसका डिज़ाइन भी वो एम्बॉस्ड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे इस तरह का, तो मैंने इसको लिया है 149 रुपीज़ में, यहाँ पे इसकी MRP मेंशन की हुई है 169 रुपीज़ बट ये मुझे मिला है 149 रुपीज़ का। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कुशनी नहीं है ये स्लीपर्स बट अनकम्फर्टेबल भी नहीं लगती, उतनी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो ठीक है मैंने ये ले लिया है। और मम्मा के लिए भी मैंने लेके आ गई थी मरून वाली, मैं देखती हूँ उन्होंने कहाँ रखी हुई है तो मैं इस हॉल वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगी, अदरवाइज मैंने शॉर्ट्स वीडियो में जो जियो स्मार्ट का टूर मैंने आपसे शेयर किया था उसमें तो मैंने शेयर किया हुआ है। हाँ तो ये है जो मैंने मम्मी के लिए लेके आई थी, इसका भी कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड इस तरह का है इसका प्रिंट और सेम प्राइस है 169 रुपीज़ MRP यहाँ पे मेंशन की हुई है और 149 की मुझे मिली है ये स्लीपर्स। और जब मैंने मम्मी को दिखाया उनको पसंद तो बहुत आई बट वही है ना मम्मी लोगों का, मेरे लिए क्यों लेके आ गई, मेरे पास तो थी पहले से, चल तो रहा था मेरा काम तो ठीक है। ओके लास्ट है ये फोर बास्केट्स का सेट,
और ये पहले भी मैंने लिया हुआ था, बिग बाजार से मैं लेके आई थी, बट मुझे लग रहा था अभी सामान जो ऑर्गेनाइज करके रखना है मुझे उनके लिए, मेरे पास जो बास्केट्स अवेलेबल है वो कम पड़ रही हैं, तो अभी यहाँ पे मुझे मिल गया जियो मार्ट में, तो मैं उसको उठा के ले आई। और ये 4 बास्केट्स का सेट है जस्ट 99 का, तो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है एंड इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं पहले यूज करके देख चुकी हूँ और काफी अच्छी तरह से मेरी चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं। इसमें 3 साइजेस की बास्केट्स हैं, लेट मी शो यू। फर्स्ट वन है इस तरह की एंड जो सेकेंड है वो इस तरह की है, इसमें मिल जाते हैं 2 इस तरह की है ये, एंड जो थर्ड एंड लास्ट है वो इस तरह की बड़ी सी बास्केट है, इतनी डेप्थ है इसकी एंड आप देख सकते हो इसका साइज ये, तो मुझे तो ये वर्थ बाइंग लगा। तो यही सारी थी मेरी शॉपिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी, हेल्पफुल ना भी लगे अगर तो एंजॉय तो किया होगा आप लोगों ने इस हॉल वीडियो को और व्लॉग को। और अभी जितना सारा मैंने पसारा फहरा के रखा है ना, ये सारा कुछ मुझे समेटना होगा, मैं दिखाती हूँ। एक हॉल वीडियो बनाने के चक्कर में ना इतना रूम की बैंड बच जाती है, और मतलब हॉल वीडियो तो आप बना लो, ट्राई ऑन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाले होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेहनत वाला होता है वो लिपस्टिक स्वाचेज होते हैं, 2-3 शेड्स हो तो समझ में आता है, बट अगर ज़्यादा लिपस्टिक्स होती है ना तब तो फिर लिप्स की बैंड बच जाती है। तो दिखाती हूँ चलो मैंने कैसे फैलाया हुआ है। तो चलो उत्कर्ष के आने के पहले मैं सारा रायता समेट लूँ जो भी मैंने फैलाया हुआ है यहाँ पे। अगर उसने देख लिया ना तो फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, फिर तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। उसको इतना उधम करने की चीज़ें मिल जाती है ना, सामान ये खींचना वो फेंकना तोड़ना ये सारी चीज़ें उसकी चालू हो जाती हैं। तो जल्दी से मैं इनको साफ करती हूँ और अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग में। टिल देन बाय बाय बाय।